और चलिए आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी के खेमे में आज होली दिवाली सारे त्योहार मनाए जा रहे हैं क्योंकि उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सीबीआई को फटकार लगाई, कहा सीबीआई को पिंजरे का तोता वाली धारणा को दूर करना चाहिए। बेल पर भले ही सुप्रीम कोर्ट के जज एक फैसले पर सहमत थे लेकिन गिरफ्तारी पर दोनों की राय यहां पर अलग थी। वहीं दूसरी ओर केजरीवाल की बेल सियासत प्रचंड वेग से दौड़ रही है। आज सर्वोच्च न्यायालय ने बेल ग्रांट कर दी है। आज न्याय हुआ है। आप सच को दबा सकते हो लेकिन मिटा नहीं सकते। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक कड़ा तमाचा है। जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया है। भाजपा के मंसूबों पे पानी फिर गया। वो लोग विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल के सत्ता में बने रहना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाल के किंग पिन है। तानाशाही कितना भी मजबूत है उसे भी हारना पड़ता है। अरविंद केजरीवाल में एक बूंद नैतिकता नहीं बची है। हम इस तानाशाही से डरने वाले नहीं है। आपके गुनाहों की गठरी पे अगर कोई छेद हो रहा है एक के बाद एक तो उसका हम इलाज तो नहीं कर सकते। तो बिल्कुल, दिल्ली के मुख्यमंत्री को आखिर सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि जमानत के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कई शर्तें भी यहां पर रखी हैं। विपक्ष से जहां बड़ी जीत की तरह देख रहा है तो वहीं बीजेपी केजरीवाल पर निशाना साध रही है। अब ऐसे में सवाल है कि केजरीवाल की रिहाई का हरियाणा और दिल्ली चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। एक सौ 177 दिन यानी करीब 6 महीना जेल में बिताने के बाद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आम आदमी पार्टी का जोश हाई है। हरियाणा चुनाव से पहले जमानत को बूस्टर डोज की तरह देखा जा रहा है। दिल्ली से लेकर करनाल, पंचकुला और चंडीगढ़ तक केजरीवाल समर्थक जश्न मना रहे हैं। अब ऐसे में सवाल है कि केजरीवाल की जमानत से आम आदमी पार्टी को कितना फायदा होगा, मुख्यमंत्री के तौर पर केजरीवाल की भूमिका कितनी होगी, और सबसे बड़ा सवाल कि केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी का कितना सियासी फायदा उठा पाएंगे, क्योंकि जमानत के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी रखी। पहली शर्त, सीएम दफ्तर सचिवालय नहीं जाएंगे केजरीवाल। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी केजरीवाल खुलकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। दूसरी शर्त, केजरीवाल किसी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि रिहाई के बावजूद नीतिगत फैसले नहीं ले पाएंगे। तीसरी शर्त, केस में अपनी भूमिका को लेकर बयान नहीं देंगे, जिसका मतलब है कि केजरीवाल गिरफ्तारी का खुलकर सियासी फायदा नहीं उठा पाएंगे। चौथी शर्त, घोटाले से जुड़े किसी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे, मतलब आगे की जांच पर असर नहीं डाल पाएंगे। पांचवी शर्त, शराब घोटाला केस से जुड़ी फाइल नहीं देखेंगे। जमानत के जरिए केजरीवाल को फौरी राहत मिली तो है, लेकिन इन आरोपों से अभी छुटकारा नहीं मिला। आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपने लिए बड़ी जीत बता रही है, तो वहीं बीजेपी घोटाले को लेकर अभी भी केजरीवाल पर हमलावर है। जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया है। अरविंद केजरीवाल को तुरंत चाहिए कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दे, लेकिन बेशरम अरविंद केजरीवाल ऐसा करेंगे नहीं। एक कट्टर ईमानदार आदमी को, काम करने वाले आदमी को, जनता के दर्द के, जनता की जिंदगी को संवारने के लिए जो काम कर रहा था उनको उठा के जेल में डाला, इससे बड़ा पाप लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हुआ। बहरहाल तकरीबन साल भर के बाद ऐसा पहली बार है कि आम आदमी पार्टी की पूरी लीडरशिप सलाखों से बाहर। अगले साल दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में पार्टी इसका कितना फायदा उठा पाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।